बहुत लोगों से आपने सुना होगा कि अब इंजीनियरिंग का कोई फायदा नहीं है, वो जॉब्स नहीं लग पा रही है जो पहले लगती थी। बच्चों ऐसा नहीं है, जॉब अभी भी लग रही है, शानदार जॉब लग रही है। मैं अभी, चूंकि आपको मालूम है, आईगेट के अंदर में गेट सीएस की क्लासेस चलती हैं और मैं यहाँ पे देखता हूँ हर साल भिलाई से बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। 2023 को मैं याद करूँ तो जो बच्चे अभी कॉलेज के अंदर गए थे उनका जॉब अब लग रहा है, वही बच्चे जब यहाँ पे थे, ऑनलाइन में भी ऐसे कुछ बच्चे थे जिनके पास जॉब नहीं थी, टायर कॉलेज के अंदर में थे वो था, लेकिन आज उनकी जॉब गूगल में लग रही है, फ्लिपकार्ट में लग रही है, अमेरिकन एक्सप्रेस में लग रही है, कॉलकॉम में लग रही है। बहुत ही खुशी होती है देखकर, यार यही बच्चे थे एक साल पहले, इनके जॉब नहीं थी, अभी इनके पास इतनी अच्छी जॉब्स होती है, पॉजिटिव प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी उनको लग रही है, लेकिन उन बच्चों ने सही टाइम में डिसीजन ले लिया था यार कि मुझे ये चीज करनी है। वो कंफर्ट जोन, जो कॉलेज का एक कंफर्ट जोन होता है कि एंजॉय करना, घूमना टहलना, दोस्तों के बीच में मस्ती मारना, ठीक है, और क्लबबाजी करना, जूनियर पे प्रेशर मारना, ठीक है, नशा पानी बहुत ज्यादा करना, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा वो लोग नहीं घूमे टहले होंगे, फ्रेंडशिप नहीं किए होंगे, कैफेबाजी नहीं किए होंगे, ठीक है, या इंजॉय नहीं किए होंगे, बिल्कुल कॉलेज का लाइफ है तो उन्होंने भी इंजॉय किया था, लेकिन साथ में उन्होंने एक एक अपना मकसद भी तैयार किया था, यार इंजीनियरिंग में तो आ गया हूँ, थ्री टायर कॉलेज के अंदर में हूँ, आगे भी तो मुझे अपना कैरियर देखना है, क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे माहौल इतना अच्छा है गेट सीएस के लिए, आई गेट के अंदर में, कि लोग अपने सीनियर से सुनते हैं, जो उनके अच्छे सीनियर्स रहते हैं, जो अच्छी जगह पे कंप्लीट एग्जाम को क्लियर करके पहुंच जाते हैं, वो उनको गाइड करते हैं, भाई भिलाई के अंदर शानदार कोचिंग है, ज्वाइन करो और पढ़ो। तो जो लोग मेंटली स्ट्रांग रहते हैं और उनको रहता है कि भाई आईटीजेई के एग्जाम में थोड़ा सा बहुत चूक हो जाती है और हिम्मत कर पाते हैं और वो ज्वाइन करते हैं, मेहनत करते हैं, और फिर 2 साल बाद, मेहनत करने के बाद, 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर प्रिपरेशन करने के बाद एक अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करके आज वो अच्छी जॉब पा जाते हैं। क्यों ऐसा क्या हो रहा है? लोग बोल रहे हैं यार जॉब नहीं है, या जॉब नहीं मिल रही थी टायर कॉलेज के बच्चों को, या जॉब मिल रही है तो ज्वाइनिंग नहीं आ रही है। बड़ी कंपनीज, मैं तो यार इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, बड़ी कंपनी आज तक ही टायर कॉलेज के अंदर में नहीं आ रही है, क्या रीजन हो रहा है? कुछ बच्चों की लगती है, एक या दो बच्चों की लगती है, लेकिन ये कोई कॉलेज नहीं बोल सकता 10 लोगों की जॉब माइक्रोसॉफ्ट में लग गई, या 15 लोगों की जॉब अमेजोन में लग गई, 25 लाख की जॉब लग गई, ऐसा क्यों होता है? नहीं होता है, नहीं होता है, बस एक आध बच्चा या दो बच्चा अच्छा परफॉर्म कर लेता है, हो सकता है वो बच्चा अपने लेवल पे, उस लेवल की मेहनत की हो इसलिए उस बच्चे का जॉब लगा। जिस तरह से गेट में लोग मेहनत करते हैं और गेट क्लियर करते हैं, एक अच्छे कॉलेज में जाते हैं, अच्छा प्लेसमेंट उठाते हैं, क्योंकि वो कंफर्ट जोन से कहीं ना कहीं बाहर निकले होंगे। और बहुत सारे बच्चे, 80% बच्चे सिर्फ सपना ही देखते रहते हैं यार, 80% भी, मैं क्या बोलूं, 90% बच्चों को देखता हूँ सिर्फ सपना देखते हैं यार, गूगल आएगी, माइक्रोसॉफ्ट आएगी, अमेजोन आएगी, हमको लेके जाएगी, पढ़ाई लिखाई जीरो, दिन भर में 3 बार चाय पीने जा रहे हैं, 3 बार तो मैं ज्यादा कम ही बोल रहा हूँ, हो सकता है दिन भर में ही बैठे रहते हैं, यहाँ पे मैं देखता हूँ कैफे के अंदर में 15 रुपए की चाय पीते हैं और 3 घंटे वहां बैठे रहते हैं, बस डिस्कशन ही करते रहते हैं। करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन सोचिए कि आपको क्या लगता है कि यार 12th तक हम बहुत ज्यादा घर में थे, प्रेशर में थे पेरेंट के, और पेरेंट हर चीज पे टोका टाकी करते थे, हम कॉलेज में आ गए, अब टोटली फ्री हैं, अपने हिसाब से हम अपनी लाइफ को जिएंगे, लाइफ जिए जिए जिए, बहुत अच्छे से करिए, आप गेम खेलिए, लॉन्ग ड्राइव में जाइए, कैफेबाजी करिए, सब कुछ करिए, लेकिन उस कंफर्ट जोन को इतना ज्यादा, मतलब उस कंफर्ट जोन में मत रह जाइए कि आगे एक बड़े शिकारी आप ना बन सके। आपकी जो हिम्मत है, जो ताकत है, ऐसा ना धीरे धीरे धीरे, क्योंकि 4 साल बाद तो सोसाइटी पूछेगी बेटा इंजीनियरिंग के बाद क्या, वही हो रहा है लोगों के साथ में, 4 साल इतना ज्यादा कंफर्ट जोन में रहते हैं, वो इतना ज्यादा एंजॉयमेंट के मूड में रहते हैं कि कैरियर कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देते हैं। ये चीज सोचना पड़ेगा, सभी को सोचना पड़ेगा, आप थ्री टायर कॉलेज के अंदर में हैं, आप रियलिटी स्केप नहीं कर सकते, आपको रियलिटी समझनी पड़ेगी यार, रियलिटी क्या है, और उसके हिसाब से आप, मैं सारे बच्चों को बोलता हूं कि भाई आप कोई भी पाप करिए, कुछ भी करिए, लेकिन पढ़ाई करके 4 साल बाद एक ऐसी जगह पे रहिए कि आपके जो छोटे मोटे पाप हैं कॉलेज के, उसको लोग याद ना करें, अदरवाइज आपके टीचर्स जिनके आप बहुत ज्यादा साथ में रहते हैं, उन वो टीचर्स भी आपका साथ नहीं देते हैं, बोलते भाई तो पढ़ाई लिखाई किया नहीं 4 साल तक, सिर्फ इंजॉय किया है या चमचागिरी किया है लोगों की, कोई फायदा नहीं है, अपने को, अपने आप को बनाना पड़ेगा, जिससे कि हम 4 साल बाद एक अच्छी जगह पर रहे, एक कम्पिटेटिव एग्जाम निकाल लें, कम्पिटेटिव एग्जाम में सिर्फ गेट ही नहीं बोलूंगा, कोई भी एग्जाम बिल्कुल निकलना चाहिए, आपको आगे निकलना है, आपको भीड़ से बाहर निकलना है तो आपको कंप्लीट एग्जाम के अंदर घुसना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, लोग डर जाते हैं यार, आईटीजे में बहुत अलग ही लेवल का पैसा था, उस टाइम मैंने नहीं कर पाया था, पता नहीं अभी गेट वगैरह करूंगा या कुछ और करूंगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, सबको ईजी लगता है भाई कोडिंग करेंगे, कोडिंग 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 में नहीं करते भाई ढंग की,
फेयरवेल का प्रोग्राम बना लेंगे, सीरीज का प्रोग्राम बना लेंगे, कहीं पढ़ने जा रहे हैं, कहीं सीखने जा रहे हैं, वहां पर भी 2 घंटे 3 घंटे बैठे रहते हैं और कुछ नहीं सीखते हैं, अल्टीमेटली छोटा मोटा कंसेप्ट सीखते हैं जिसका ज्यादा यूज नहीं होता है। आप उनको छोटे छोटे डिफिनेशन पूछो तो नहीं बता पाते हैं, डर जाते हैं। हम लोग यहाँ पे सी का टेस्ट लेते हैं, ऑफलाइन में हिम्मत नहीं कर पाते, बच्चे सोच सी का टेस्ट देके आ जाते हैं, आते हैं और देते हैं तो पता चलता 30 नंबर में 5 नंबर आ रहे हैं, 2 नंबर आ रहे हैं, ये हालत रहती है। अकॉर्डिंग बोलते सुपर डुपर लेवल के किए हैं, क्योंकि तो हमारे पास तो बच्चे आते रहते हैं। तो बच्चों मैं बोलूंगा कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और एक ब्रॉड ब्रॉड माइंड से सोचिए कि आगे हमें क्या करना है, कैसे बढ़ना है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बिल्कुल जरूरी है, नहीं तो आप लैग कर जाएंगे। हम लोग भी कंफर्ट जोन से बाहर निकले, ठीक है, जो चीजें नहीं आती थी सीखे, कॉलेज में पढ़ाते थे, बीआईटी में मैंने 9 ईयर्स तक जॉब किया, वहां भी खूब मेहनत करते थे, बच्चों को पढ़ाते थे, बच्चे भी खूब तारीफ करते थे, सर वाकई मजा आ गया टॉपिक को पढ़कर, सब्जेक्ट को पढ़कर आपसे। वो जो मोटिवेशन हमें मिलता था, तब हमने कॉलेज को लीव करके कोचिंग खोल के लोगों को सिखाना स्टार्ट किया, और आज बहुत ही सेटिस्फेक्शन मिलता है यार, 30 सारे बच्चे आईआईटी IIT NITs गए। आप जाइए हमारा प्रोफाइल देख लीजिए, आप गूगल में आई गेट टाइप करके देख लीजिए, कोई फेक कुछ भी नहीं है, हर बच्चे को आप लिंक्डइन में जाकर सोच देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आप आई गेट से पढ़े कि नहीं पढ़े हैं। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप अच्छा कर सकते हैं। अदरवाइज आपको लोगों की गुलामी करनी पड़ेगी, लोगों की चमचागिरी करनी पड़ेगी, और वो कब तक काम आएगी कुछ भरोसा नहीं है। वो आदमी जब तक वहां बैठा है तब तक हो सकता है आपका साथ दे, यदि वो आदमी रिटायर हो गया तो क्या तब भी आपका साथ देगा? नहीं ना, अब तो उसके पास पावर नहीं है, कितने दिन तक चमचागिरी करके या सिर्फ चापलूसी करके आप आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए अपने अंदर क्वालिटी पैदा करना जरूरी है, इसलिए कंफर्ट जोन से बाहर निकल के हार्डवर्क करने की जरूरत है, और लगना है, डरना नहीं है, डरना नहीं है, नहीं आता कोई इशू नहीं, तभी तो पढ़ना है, तभी तो पढ़ने आए, सीखना है। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं मैं इसके ऊपर, कंफर्ट जोन के ऊपर। आप लोगों ने गिद्ध जानते होंगे, गिद्ध, वो गिद्ध जो जानवर खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो ऊपर से आपके जो गिद्ध लोग आते हैं उनको नोच नोच के खा जाते हैं, उनके उनके ऊपर एक कहानी में आपको एक स्टोरी छोटी सी सुनाना चाहता हूं। जो गिद्ध थे, बहुत बड़ा एक झुंड था गिद्ध का, जिसको लोग इंग्लिश में वल्चर बोलते हैं, तो गिद्ध थे उनका एक बहुत बड़ा ग्रुप था, और वो उड़ते हुए जा रहे थे, उड़ते हुए जा रहे थे, समुद्र के ऊपर से जा रहे थे, ठीक है। तो उनको बीच में एक टापू दिखा और सब बहुत थक गए थे, बोले यार इस टापू पे उतरते हैं। जब वो लोग टापू पे उतरे, जितने भी गिद्ध थे, सभी गिद्ध चारों तरफ माहौल देख के बहुत ही हैप्पी हुए, बहुत ही उनको महसूस हुआ यार ये तो जन्नत है हमारे लिए, ये जगह जो टापू है क्यों जन्नत है यार, यहाँ पे बहुत सारी, चूंकि उस टापू जो था समुद्र के बीच में था और किनारे बहुत सारी मछलियां टहल रही थी, उनको लगा यार आगे तुम्हें शिकार करने की जरूरत ही नहीं है, बार बार हमें भटकने की जरूरत नहीं है, और हम लोग यहीं पे रहेंगे सभी लोग, और आसानी से हमें खाने पीने के लिए काफी चीजें यहाँ पर प्रेजेंट है, मछलियां आसानी से हमें मिल जाएंगी। वो लोग वहीं पे रहने लगे, और वहां पे वो लोग बस, चूंकि समुद्र था, टापू था, और बहुत सारी अलग अलग वेरायटी की मछलियां थी, आसानी से किनारे जाते थे, मछलियां टहलती रहती थी, पकड़ के खा जाते थे, और सारे गिद्ध वहीं पे रहने लगे, और धीरे 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 वो कंफर्ट जोन में चले गए, क्योंकि आसानी से उनको अपना शिकार मिल रहा था, उनका पेट भर रहा था। उन जितने भी गिद्ध थे, उसमें से बूढ़ा गिद्ध था, वल्चर था, वो बहुत ही दुखी हुआ इन सब जवान गिद्ध को देखकर, बोला यार ये सब तो बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में आ गए हैं, कल कुछ मिस हैपनिंग होगा तो ये लोग अपनी जान नहीं बचा पाएंगे यहां पर, ये सारे बहुत ही ज्यादा कंफर्ट जोन में, ये अपना शिकार करना भूल गए हैं, चूंकि इनको बहुत आसानी से भोजन भर पेट मिल जा रहा है। सबको बुलाया, मीटिंग बुलाया उसने, और सभी को समझाया, जितने भी गिद्ध थे, बोले भाई बहुत दिन तक यहाँ रह लिए, अब चलो चलते हैं यहां से, हमको उस दुनिया में, उस जंगल में फिर से वापस जाना है, जहां पे हम मेहनत करके शिकार मार के अपने पेट को पालते थे, यहां पे ज्यादा दिन तक रुक नहीं सकते, मुझे पता नहीं यहाँ पे क्यों खतरा महसूस हो रहा है। लेकिन जितने और गिद्ध थे वहां पे जो यंग थे, उन सभी ने उसकी बातों को डिनाई कर दिया, बोला यार इतनी अच्छी जगह, इतनी स्वर्ग जगह छोड़ के मैं फिर से वापस जंगल की तरफ क्यों जाऊं, जहां पे बार बार हमें मरे हुए जानवर को ढूंढना पड़ता था, अपने शिकार को ढूंढना पड़ता था, मारना पड़ता था, मेहनत करना पड़ता था, वापस क्यों जाऊं मैं, फिर से मेहनत करना पड़ेगा मुझे, नहीं हम तो अपनी पूरी लाइफ पूरा जीवन यहीं पे बिताएंगे, इस टापू पे ही रहेंगे। तो वो जो बुढ़ा गिद्ध था वो वहां से उठते हुए जंगल की तरफ चला गया, छोड़ के सभी को, ठीक, वो सारे जितने भी यंग गिद्ध थे वहीं पे रह रहे थे, अपना समय बिता रहे थे,
और एक दिन क्या हुआ कि वहां पे एक जहाज आई, उस पे कुछ लोग थे, उनको उस टापू पे एक सुंदर, उनको वहां पे टूरिज्म डेवलप करना था। बोले यार ये टापू बहुत अच्छा है, उनको कहीं से मालूम पड़ा कि एक बीच में, समुद्र के बीच में एक टापू है। तो वो अपने साथ में, और को ये भी मालूम पड़ा वहां पे बहुत सारे गिद्ध रहने लगे हैं, अपना घर बना लिया, उन सारे गिद्ध का शिकार कराना है, करना पड़ेगा तभी जाके हम वहां पे कुछ कर पाएंगे। अपने साथ चीता लेके आए वो लोग, और सब साहस से टापू में पहुंचे, उन्होंने अपने चीता को वहां पे छोड़ दिया। जितने भी चीता थे वहां पे देखे सारे गिद्ध को, और धीरे धीरे जितने भी गिद्ध थे एक एक को मार मार के चीता लोग खा गए। तो क्यों ऐसा हुआ, क्यों सब उड़ नहीं पाए, क्यों सब भाग नहीं पाए? क्योंकि सारे गिद्ध जब यंग थे कंफर्ट जोन में आके उसी टापू पे रहने लगे। धीरे 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 जो उनका एक बुद्धा गिद्ध बोला था भाई हम उड़ना भूल जाएंगे, वही हुआ उनके साथ में, वो अपना उड़ना भूल गए। जब उनके पास जितने भी चीता चीता आए थे उस टापू पे, सबको एक एक झपट झपट के मार रहे थे, गिद्ध जो थे भाग नहीं पा रहे थे। वो जो गिद्ध थे वो जो चीता से लड़ाई नहीं कर पा रहे थे, जो कि उनके नाखून, जो कि शिकार करना बंद कर दिए थे, उनके जो नाखून थे जो पहले एकदम साफ थे वो सब क्या हो गए थे, खराब हो गए थे। ठीक है, धीरे 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 जितने जो चीता लोग थे सारे गिद्ध को मार डाले, और उस जगह फिर से वापस खाली हो गई। तो ऐसा क्यों हुआ बच्चों? क्योंकि वो सारे गिद्ध जब जवान थे कंफर्ट जोन में आए, ठीक है कुछ दिन तक रहना था उनको, लेकिन जो अपना बेसिक वर्क है वो उनको भूलना नहीं चाहिए था, उनका उड़ना, अपने नाखून को साफ रखना, झपटना, शिकार करना नहीं भूलना था, लेकिन वो भूल गए थे, इससे सारे के सारे मारे गए। तो कुछ समय के बाद जो बुढ़ा गिद्ध चला गया था वो वापस लौट गया देखने के लिए कि हमारे जो यंग गिद्ध थे उनका क्या हाल चाल है। आया और देखा, बहुत दुखी हुआ कि सारे गिद्ध मारे गए थे। वो जहाज फिर वापस आई, चार सारे चीतों को वापस में लेके वापस लेके गई, और वहां पे एक टूरिज्म डेवलप किया टापू के ऊपर। बच्चों इस कहानी से हम यही सीखते हैं कि हम स्टूडेंट हैं कॉलेज के अंदर में, हम टीचर हैं, हम स्टूडेंट को सिखा रहे हैं, हमें भी कंफर्ट जोन में नहीं आना है, आपको भी कंफर्ट जोन में नहीं जाना है, एंजॉय करना है, पीसफुल में रहना है, लेकिन जो सीखने की लर्निंग की हैबिट है उसको छोड़ना नहीं है। जिस दिन आपने लर्निंग छोड़ दी उस दिन आपका ग्रोथ रुक जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि हम टीचर बन गए तो हम एकदम ज्ञान बहुत ज्यादा हो गया है, अब पढ़ने की जरूरत नहीं, हमें आज भी चीजों को सीखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, जहां पे हमें लगता है नहीं इसमें और चीजें ऐड करनी है तो उसको ऐड करना पड़ता है, तभी तो लोग आपके पास आते हैं कि वहां पे सारी चीजें सिस्टमेटिक मिलती हैं, इसलिए मुझे आई गेट में जाके पढ़ना है। इवन बच्चों आपके पास वो नॉलेज रहेगा, नॉलेज कभी भी खराब नहीं जाता है, और कहीं ना कहीं आप अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। बहुत सारे ऑप्शंस पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जाके आप जॉब कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले मुझे याद है अभी हम तीन दोस्त आपस में मिले थे, एक दुबई से आया और एक सर और थे आईएएस क्वालिफाई थे, वो भी आए हमारे पास, हम तीनों लोग मिले, बातचीत किए, काफी देर तक बैठे रहे चूंकि बहुत दिनों बाद मिले थे, तो आपस में ये डिस्कस करे सब, सिर्फ हम लोग पढ़ाई की वजह से अपनी लाइफ को सेटल किए हैं, और हम ही नहीं बहुत से लोग यार, बहुत से लोग, ठीक है इसलिए वो दुबई जा पाए। ठीक है, खेती बाड़ी आपके पास बहुत ज्यादा, क्या उसको दुबई लेके जा सकते हैं आप? नहीं ना, तो इसलिए बेटर है कि इस समय को बिल्कुल बर्बाद मत होने दीजिए। ठीक है, गेम खेलिए, कैफेबाजी करिए, घूमिए, लॉन्ग ड्राइव पे जाइए, नशा पानी करते हो भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समय जरूर निकालिए और सोचिए फ्यूचर में क्या करना है। मेहनत करेंगे तभी आगे सक्सेस होंगे, और बुरा तब लगता है जब आपका जूनियर आपसे आगे निकल जाता है, जिस जूनियर के पीछे पीछे आप घूमते हैं, अपना इंप्रेशन मारते हैं, लेकिन कोई किसी का साथ नहीं देता है, सच्चाई है, और कल के दिन कंपटीशन आपके जूनियर से होगा, आपके फ्रेंड से होगा। ठीक है, अब जैसे चार रैंक आ गई आपके कॉलेज के अंदर में, छह रैंक आ गई आपके कॉलेज के अंदर में, इतने सारे रैंक जब आ जाती फाइनल ईयर में, उन बच्चों को देखता हूं जो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं क्लब में इन सब चीजों में, क्या उनका नाम होगा? उनका नाम तो खत्म भाई। हर बच्चा उस बंदे को ज्यादा याद करता है जो जीवन में सक्सेस होता है, उसको नहीं याद रखता है कि जो सिर्फ इंप्रेशन मारने के लिए आप काम कर रहे हैं, जो अस्थाई नहीं है। एक अच्छी रैंक लाना ये अस्थाई, परमानेंट, एक अच्छे कॉलेज में गए, पढ़ाई किया, उस पास करो ना समाज सेवा भाई, करोड़ रुपए कमाओ, बांटो, जूनियर्स को जॉब दिलाओ, पहले अपने आप को ऐसे स्थान पर पहुंचा लो कि 5 लोग की जॉब आप लगवा सको, जीवन भर आपको लोग याद रखेंगे। लेकिन नहीं, तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए सभी लोग,
जितने बच्चे भी फिफ्थ सेमेस्टर में जो तैयारी कर रहे हैं, कंफर्ट जोन में जा चुके हैं, तैयारी छोड़ दिए हैं कि नहीं अगले साल करूंगा, उनको भी बोलूंगा 3 महीने का टाइम है बच्चा, पूरी जान लगा दो, एटलीस्ट क्वालिफाई तो करो गेट को। ठीक, बाकी लोग जो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं अभी भी मस्ती में एंजॉयमेंट में, या बढ़िया चल रहा है जीवन, ठीक है तो कितने दिन तक बढ़िया चलेगा इसको भी सोच के देख लीजिए। मैं जीवन देख लूंगा, कर लूंगा अपने हिसाब से, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं अरे देख रहा है यार देख लेंगे क्या होगा, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको, इतना ईजी नहीं है, उतना आप लेट होते जाओगे लोगों से। फाइनल ईयर में लोग अच्छी जगह पहुंच जाएंगे, 2 साल फिर आपको टाइम देना पड़ेगा वहां तक पहुंचने के लिए, जो बच्चा 2 साल पहले दे चुका है उस टाइम को, आप 2 साल बाद डिसाइड कर रहे हैं। इसलिए जितने लोग भी हैं और जो थर्ड सेम में है वो लोग भी सिस्टमेटिक होकर खासकर अपने जो सेमेस्टर के सब्जेक्ट है पहले उसको कंप्लीट करें। अपने पास तो रिकॉर्डेड भी अवेलेबल है यार, और एकदम एचडी क्वालिटी में, और पूरा सिस्टमेटिक है, लाइन बाय लाइन है, बेसिस लेकर एडवांस तक नोट्स बनाते जाओ, जहां समझ में ना आए वहां डिस्कस करो, 100% आपको साथ मिलेगा। तो बच्चों बिल्कुल आप रियलिटी को स्किप नहीं कर सकते हैं, आप बिल्कुल सभी लोग लगिए और मेहनत करिए, जहां पे आपको आई गेट का साथ चाहिए वहां पे आपको मिलेगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।